या लोकसभा चुनाव बागियों की धरती है, इसलिए हमेशा क्रांतिकारी तेवर के यहाँ छात्र नेता भी दिखते हैं। विवेक सिंह राणा हमारे साथ हैं, राजा जो लखनऊ से आए हैं नीरज शेखर के लिए। हालांकि इनका गिरि जनपद है और वैसे भी फेफना विधानसभा क्षेत्र के गढ़वार के आप रहने वाले हैं, क्या है माहौल? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है रोशन भैया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप प्रतिदिन बलिया की आवाज़ को उठाते रहते हैं और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से देखते रहते हैं। तो आप तो नीरज शेखर के लिए क्या जीत का मैदान तैयार कर रहे हैं नौजवानों में, छात्र नेताओं में, अपने लोगों में क्या संदेश लेके जा रहे हैं, मोदी की या नीरज शेखर की? मोदी जी और नीरज शेखर जी के लिए हम लोग लगे हुए हैं यहाँ बलिया लोकसभा चुनाव में, और हम लोग चाहते हैं कि जाति और जो मुद्दे, लोकल मुद्दे और नौजवान साथी जो जाति को लेकर चल रहे हैं, इन मुद्दों को छोड़ के मोदी जी के चेहरे को देखते हुए, नीरज शेखर के चेहरे को देखते हुए यहाँ वोट करें और नीरज शेखर को मजबूत करें और नीरज शेखर जी जाके बलिया की आवाज़ बने दिल्ली में, हम लोग यही चाहते हैं। आपका वैसे विधानसभा क्षेत्र फेफना है, फेफना में क्या है राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो आज वहाँ अखिलेश भी आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं और फेफना विधानसभा से हैं, वहाँ पे क्या माहौल बनेगा नीरज शेखर के लिए? एक साल या डेढ़ साल के अंतर पर वहाँ चुनाव हो गया और इस समय माहौल वहाँ बहुत ख़राब है। संग्राम सिंह यादव वहाँ पर सपा के विधायक हैं और उनकी स्थिति इस समय बहुत मौजूदा स्थिति ख़राब है, और मेरा मानना है कि वहाँ नीरज शेखर जी 50,000 वोटों से लीड करेंगे और मैं रिजल्ट के दिन पुनः आपसे बात करूंगा और फिर मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूँ, दावा करता हूँ कि नीरज शेखर जी वहाँ हर बूथ पे चुनाव को जीतेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विवेक सिंह जी को सुना, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।